पिछले दिनों देश के पीएम मोदी ने एक दो न्यूज चैनलों को इंटरव्यू दिया, लेकिन इस रेस में एनडीटीवी पीछे छूट गया, जिसको लेकर एनडीटीवी के स्टार एंकर रविश कुमार थोड़ा नाखुश दिखे। अब इसे उनकी नाराजगी कहें या फिर कुछ और, लेकिन एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में रविश ने मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने इशारों ही इशारों में जता दिया कि पीएम मोदी उनके सवालों से डरते हैं या फिर उनसे नफरत करते हैं। दरअसल रविश से पूछा गया था कि आखिर पीएम मोदी उनको इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं। इस पर रविश ने कहा, वो शायद मेरे सवालों से घबराते हैं। जब वो मेरे सामने होंगे तो मैं उनका प्रवचन तो नहीं सुनूंगा। मैं ये तो नहीं सुनूंगा कि पकौड़ा कहाँ बनता है, 200 रुपए में कहाँ बिकता है। मैं उनसे काउंटर सवाल करूंगा, क्योंकि ये मेरी फितरत में है। इतना ही नहीं, रविश ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा, बीजेपी से पूछना चाहिए कि आप मुझसे घृणा करते हैं या सचमुच आप मेरे सवालों से डरते हैं। मुझे लगता है कि शायद आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। 2014 से पहले तो मुझे फोन करके कार्यक्रम में आने के लिए कहा करते थे, तो फिर अब क्या हो गया? तो रविश कुमार ने अपने दिल की बात तो कह दी, ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है, फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।